गैस व्हाट, व्हाट? दुबई की टिकट। दिखा दिखा अब हमें दुबई जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाय अल्लाह, क्या ये मेरे हाथों में वाकई दुबई की टिकट है? तो पारस, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, हम लोग दुबई जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा रुको, मैं जल्दी से जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ, शॉपिंग में चलते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्यों? शॉपिंग हम दुबई में करेंगे। पारस, कहाँ जा रही हो तुम? कसम से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, पारस तुम कितने अच्छे हो। इधर ये सब फोन आ रहा है भाई, एमन की कॉल आ रही है। तो हेलो एमन, कैसी हो मेरी प्यारी सी कजन? तुम अभी तक वही हो? कोई शर्म कोई हया है तुम्हें? नहीं, दरअसल बात ये है एमन, हेलो ऐमन, कैसी हो? शुक्र है भाई तुमने भाई को भी याद कर लिया, वरना तुम तो मुझे भूल ही गई हो। जो आपने मुझे मेरे शौहर और ससुराल के सामने बदनाम करने का ठेका उठा रखा है, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? हारून ने देखा है आप दोनों को मॉल में इकट्ठे, इतनी बातें सुनाई है मुझे, बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, सब कुछ उस मनहूस औरत की वजह से। नादी जान ने भी साफ कह दिया है कि निमरा के साथ वो किसी किस्म की ज्यादती होते नहीं देख सकती हैं। ओफो, एक तो ये निमरा निमरा निमरा, अरे जीना हराम करके रख दिया इस निमरा ने मेरा। मैं अपनी मर्जी की लाइफ भी नहीं गुजार सकता क्या? ये मत भूलें, ये जो आप महंगे महंगे मॉलों में घूम रहे हैं और कराची के पॉश एरियाज में घर खरीद रहे हैं, ये सब उसी निमरा की वजह से है, पता है ना आपको? ये सानी साहिबा आपसे ये सब कुछ ले तो सकती है, लेकिन आपको कुछ नहीं दे सकती, समझ आइए? उसे घर से भेजें और आइंदा कराची के किसी एरिया में इकट्ठे ना नजर आए आप दोनों। पारिस, मुझे आज तुम साफ साफ एक बात बता दो, तुम क्यों इमन की इतनी बातें सुन रहे थे? हाँ, बता नहीं सकते थे कि हम दोनों शादीशुदा मियां बीवी हैं? यार क्यों डरते हो? अरे खुदा के लिए सना, कैसी बातें कर रही हो तुम? उनको ये बात की भिनक भी पड़ गई ना तो गजब हो जाएगा, और वैसे भी उसके ससुराल वाले बहुत पावरफुल लोग हैं यार, वो ये बात अगर उनको पता भी चल गई ना तो हमारे खिलाफ इंक्वायरी भी उठा देंगे, बहुत पावरफुल लोग हैं वो लोग। हम दुबई तो क्या, कराची में भी घूमने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है फारिस, सारी जिंदगी डरते ही रहना, लगी समझ?